एवरीवन, आई थिंक मैं 3-4 दिन से ब्लॉग बना रही हूँ बट प्रॉपर बन ही नहीं रहा, तो अभी सोचा कि बना देती हूँ। बट मुझे इतना गंदे वाला कोल्ड हो रखा है ना, वायरल हो रखा है, बेसिकली गले में दर्द है, फीवर है, नाक बंद, कान बंद, सब कुछ बंद है। आप मेरी आवाज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं, मैं थोड़ी देर पहले ही कैफ़े आई हूँ और आई एम नॉट इवन एबल टू स्पीक, बट अभी बोर हो रही थी तो मैंने सोचा व्लॉग ही बना देती हूँ। अंजलि थी यहाँ पे, गोपी भैया थे यहाँ पे, ऐसे कानों से आवाज़ आ रही है, गर्म हो रहा है कान बहुत। मुझे ऐसे वाला कोल्ड कभी भी नहीं हुआ, कोल्ड होता है बट बहुत अजीब वाला कोल्ड हो रहा है। टाइम क्या 3:30 हो गए। सो गाइस, अभी हमने ब्लिंकिट से कुछ सामान मंगाया क्योंकि अपनी ऐसी है नहीं तबीयत। अभी कैनूला मैंने लगाया, डॉक्टर ने बोले इसको उतारना मत, अगर ज़्यादा फीवर हो फिर से आ जाना। जा ले, ले क्या सामान, लेटे लेटे ना मेरी बैक में दर्द हो रही है, अभी थोड़ा मैं बेटर फील कर रही हूँ, फीवर है नहीं पर मेरी आंखें और सर दर्द। मैं फ़ोन 1 मिनट के लिए भी नहीं यूज़ कर पा रही हूँ क्योंकि जैसे फ़ोन यूज़ कर रही हूँ ना आंखें दर्द हो रही है, बस सर नीचे गिर रहा है। तो बस मेरे को लग रहा है फिर से फीवर हो रहा है, सर दर्द हो। अब कहाँ जा रही है, पैसे लेने, क्या बोल रही है पता नहीं, कहता पैसे लेने जा रही है। मेरे को अब इस कैनूला से दर्द हो रही है बहुत। हेलो एवरीवन, सो आज है मेरे बीमार होने का 3rd डे और अभी 12 बजने वाले हैं। मैं और अंजलि फिर से जा रहे हैं हॉस्पिटल। एक सेकेंड, मैं फ़ोन यहाँ पे रख लेती हूँ क्योंकि कल जब मैं हॉस्पिटल गई थी तो परसों से ना फीवर डाउन नहीं हो रहा था, 102, 103, 104 ऐसे ऐसे हो रहा था, तो कल मॉर्निंग ऐसे ही चली गई मैं, तो फिर उन्होंने एमरजेंसी में एडमिट किया और फिर ग्लूकोज वगैरह चढ़ाए। तो उसके बाद ही कैनूला तब से लेकर अभी लगा हुआ है। उन्होंने कहा था कि इसको उतारना मत, अगर फिर से फीवर होता है सीधा आ जाना, क्योंकि हॉस्पिटल मेरे घर के बिल्कुल पास में है। तो रात को मेरे को फीवर था बट वो दवाई इतनी ज़्यादा हो गई थी, मेरे को इतनी ज़्यादा नींद आ गई मेरे को पता ही नहीं चला। तो अभी मैंने सोचा अभी मतलब थोड़ा इम्प्रूवमेंट तो है, तो अभी हम जाते हैं डॉक्टर से पूछते हैं। वीकनेस तो अभी भी है, वो क्या कहते हैं आगे, बाकी वो कह रहे हैं कि डेंगू के सिम्टम है। डेंगू की जो रिपोर्ट है वो आई थिंक 2 दिन के बाद आएगी, कल आए, कल पता चलेगा। और डेंगू मेरे को पहले भी हुआ था 3-4 साल पहले, बहुत गंदा एक्सपीरियंस था, तो आई डोंट थिंक कि डेंगू होगा क्योंकि डेंगू में तो बहुत बंदे की बहुत बुरी हालत हो जाती है। हालत तो अभी भी मेरी बेकार है बट स्टिल उसमें टेस्ट वगैरह चला जाता है, तो मेरी आँखों में दर्द है और सर में दर्द है, बाकी बॉडी तो बहुत ही ऐसी, मतलब 2 दिनों से मैं कैफे भी नहीं गई। तो अभी जाते हैं रिपोर्ट दिखाते डॉक्टर को। कर पा रही हूँ, जैसे फ़ोन यूज़ करती हूँ ना आँखों पर दर्द हो जाती है। सो अभी मेरे साथ अंजलि भी चल रही है। कैसे घूम रही है,
हेलो एवरीवन, सो शाम के बज रहे 7:15 और मैं जस्ट अभी नहाई हूँ क्योंकि सुबह से वो वैसे तबीयत ख़राब थी, वीकनेस फील हो रहा था। अभी जाके थोड़ा मेरे को अच्छा सा फील हुआ तो मैंने सोचा चलो मैं हेड वॉश कर लेती हूँ और नहा भी लेती हूँ। अब अंजलि कैफ़े गई है, मैं तो गई नहीं, और डॉक्टर ने बोला था कि रेस्ट ही करना, रेस्ट करके ही ठीक हो जाओगे। और इतनी सारी मेडिसिन खा ली ना, उससे वैसे ही ऐसे लगता है कि बहुत ज़्यादा लाइक हैवी हैवी फील होता है। सो अभी मैं पूजा करूँगी, भजन वगैरह सुनूंगी। जब बीमार होता है इन चीज़ों से ही ठीक हो जाता है, वरना बहुत सोच सोच के नेगेटिविटी हो जाती है दिमाग में। और राखी भी है आज, और मैं बहुत एक्साइटेड थी कि राखी बांधने जाऊंगी क्योंकि मेरे भैया अभी ही रहते हैं तो, बट अब मैं जा नहीं पा रही हूँ क्योंकि तबीयत थोड़ी ऐसी है, और फिर भैया भी ऑफिस से आते आते टाइम हो जाएगा तो मैंने राखी भेज दी है। सो कोई बात नहीं, उनसे मिलती रहूँगी इसके बाद। सो एनीवेज अभी मैं पूजा करूँगी, इसके बाद कुछ खाऊँगी और सोच रही हूँ कैफे चले जाऊँ थोड़ी देर में, बट फिर डांट पड़ती है अंजलि, बोलती आप क्यों आते हो वो सब। चलो थोड़ी देर देखूँगी क्या रहता है, अभी फिलहाल मैं पूजा करती हूँ।